तो हेलो गाइस, क्या हाल चाल बड़े सब। तो गाइस हम दोबारा निकलने वाले हैं ZF5। और गाइस आज हम जाने वाले हैं भाई अपनी एक इंडियन बाइक को लेने के लिए। और ये वाली जो बाइक है मैंने काफ़ी टाइम पहले ऑर्डर की थी और फाइनली अब जाके यार वो जो अपनी बाइक है वो यहाँ पे डिलीवर हुई है। तो गाइस वो जो अपनी बाइक है वो है भाई अपनी हीरो की स्प्लेंडर प्रो। और काफ़ी टाइम से मेरे को डिमांड भी आ रही थी कि अनमोल भाई हीरो स्प्लेंडर को बाय करो। तो फाइनली गाइस हमने बोल वाली बाइक जो है वो बाय कर लिया है। और हालांकि आप लोग सोच रहे हो कि अनमोल भाई यार आप तो 100K की खुशी में यार कोई कार बाय करने वाले थे, तो गाइस कार भी हम बाय करेंगे। अभी फिलहाल अपना जो बजट है वो थोड़ा सा यहाँ पे कम चल रहा था, तो मैंने यार सोचा कि क्यों ना यार एक बाइक ही बाइक कर ली जाए। और आप में से बहुत सारे लोग काफ़ी टाइम से बोल भी रहे थे, तो गाइस फटाफट से अभी चलते हैं अपने भाई। कहाँ चलते हैं यार? वहीं पर जहाँ पर अपनी गाड़ियाँ वगैरह आती है, मतलब सिमियन की शोरूम पर चलते हैं फटाफट से। और वहाँ से चल के जो अपनी बाइक है उसको उठाते हैं और उसके बाद हम जाने वाले हैं। सबसे पहले तो उसके करेंगे स्पीड टेस्ट और उसके बाद चलेंगे सीधा उसको ऑफ रोडिंग के लेके आज एक नई जगह पे। और वहाँ पे देखेंगे, मतलब वहाँ पे जो बाइक का ऑफ रोडिंग करने का भाई मज़ा अलग ही है। जब उस लोकेशन पे जब आप जाओगे ना तब आपको पता लगने वाला है कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि वो वाली जो एरिया है ना वो ज़्यादातर मतलब भाई बाइक के लिए या फिर साइकिलिंग के लिए मतलब बना हुआ है। और वहीं पर आज हम जाने वाले हैं अपनी बाइक को भाई ले कर ऑफ रोडिंग के लिए। और फटाफट से अभी चलते हैं अपनी सिमोन के शोरूम पर और देखते हैं यार जो अपनी स्प्लेंडर है भाई वो यहाँ पे कैसी दिखती है। मतलब भाई इंडिया में तो भाई काफ़ी खतरनाक है और भाई लॉन्ड है यार उसको मॉडिफाई करा लेते तो भाई जो अपने बाइक है ना भाई कसम से बजट बाइक होके भाई एकदम जहर लगती है सच्ची बताऊँ तो। और इंडिया में काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है, आप सभी को तो पता ही होगा जो अपनी स्प्लेंडर है भाई कितनी ज़्यादा फेमस है। और भाई यहाँ पे मैं बाइक लेने जा रहा हूँ और भाई सब ये लोग देखो भाई स्कूटर लेके घूम रहे हैं। मतलब भाई ये कौन सा स्कूटर है, चेतक वेतक का तो नहीं है कहीं? नहीं चेतक नहीं है यार भाई, यहीं का कोई होगा फिलहाल। तो अभी चलते हैं यार। मतलब आज मतलब मैंने ये चीज़ देखी है, जब हम कोई कार बाइक करने जाते हैं तब कार बहुत ज़्यादा दिखती है और आज बाइक लेने जा रहे हैं तो बाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही दिख रही है। और ख़ास कर मतलब यार अपनी स्प्लेंडर भाई स्प्लेंडर के सामने मतलब लोग आज भाई अपने स्कूटर निकाल के घूम रहे हैं यार, ये चीज़ देख के मतलब काफ़ी। ओ भाई साहब नहीं, ये भाई लौंडा जा रहा है भाई अपनी स्पोर्ट्स बाइक लेके। और एक और भाई साहब यहाँ पे मतलब वो भाई काफ़ी खतरनाक खतरनाक बाइक लेके घूम रहे हैं। और सामने की तरफ में एक और, अबे भाई साहब ये लोगों को देखो यार भाई स्कूटर लेके घूम रहे हैं यार। मतलब हम भाई इतनी महंगी बाइक लेने जा रहे हैं और ये लोग भाई स्कूटर लेके घूम रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे बातों बातों में हम आ चुके हैं भाई अपने सिमोन के शोरूम पे। और गाइस ये खड़ी है भाई अपनी एक ही पीस खड़ा होगा मेरे को पता है, क्योंकि ये वाली बाइक यहाँ पे तो चलने वाली है नहीं, क्योंकि ये बाइक काफ़ी ज़्यादा सस्ती आती है भाई इंडिया में और इसी वजह से यहाँ के लोगों को भाई सस्ती चीज़ें पसंद नहीं है। और गाइस एक बारी आप लोग देखो भाई अपनी हीरो स्प्लेंडर खड़ी हुई है। ओ भाई i3 है भाई, i3 है, पता नहीं कौन सी है यार ये, मतलब सही से दिख नहीं रहा है। और हालांकि इसका नंबर वगैरह तो सब कुछ यहीं का मिलने वाला है, क्योंकि जो गाड़ी है हमने मतलब यहीं पे इंपोर्ट कराई है। हालांकि बन के भाई इंडिया से आई है, पर जो कार मतलब जो कार कह रहा हूँ मुझे बाइक है वो इम्पोर्ट होके आई है इसीलिए। और आप लोग देख लो भाई इसका ओवरऑल लुक, मतलब भाई एकदम रियलिस्टिक लग रही है, नहीं लग रही है भाई अपनी जो हीरो स्प्लेंडर प्लस है भाई, मेरे को लगा था प्रो वाली है, पर प्लस है कोई बात नहीं है, प्लस प्रो बात तो एक ही है। और अभी फटाफट से इसको लेके चलते हैं। बाकी मैंने पेमेंट वगैरह इसका पहले ही कर दिया था, क्योंकि इसका पेमेंट इतना कुछ ज़्यादा था नहीं तो मैंने ऑनलाइन ही पहले ही जो था वो कर दिया था। और अभी फटाफट से इसको लेके चलते हैं और सबसे पहले तो चलते हैं भाई एयरपोर्ट पर और वहाँ चल के इसकी फुल स्पीड टेस्ट करेंगे कि जो इसकी टॉप स्पीड है वो क्या है, फिर उसके बाद चलने वाले हैं फटाफट से अपना जो ऑफ रोडिंग वाली जगह पे। तो गाइज फटाफट से चलते हैं यार बिना टाइम वेस्ट करे सीधा एयरपोर्ट पे। ओके गाइज यहाँ पे भाई साहब मैं अपने बाइक को यहाँ पे फुल स्पीड पर भगाते हुए आ चुका हूँ एयरपोर्ट पर। और भाई साहब इसका साउंड सुनो यार, काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है ना, हालांकि मतलब थोड़ा सा चेंज है, पर आप लोग सोच लो यार मतलब गेम में यार एकदम पूरा रियलिस्टिक डिट तो नहीं हो सकता, थोड़ा सा तो चेंज है। पर गाइस यहाँ पे जो अपनी बाइक है भाई वीली वीली मारने में तो ओ हो भाई क्या ही मज़े आ रहे हैं भाई वीली मारते हुए। गाइस भाई अपनी जो स्प्लेंडर है भाई सच्ची में यार काफ़ी ज़्यादा कमाल की है। फिलहाल तो अभी थोड़ा सा स्पीड टेस्ट करके देखते हैं कि जो इसकी टॉप स्पीड है वो क्या है। तो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि जो अपनी बाइक है भाई इसकी टॉप स्पीड क्या निकल के आती है। और फिलहाल तो गाइस जो अपनी स्प्लेंडर है भाई अभी तक 100 नहीं पहुँची, हालांकि भाई 110 cc की मतलब 100 cc की बाइक है, तो ज़्यादा स्पीड से आप उम्मीद मत करना। पर फिर भी यार भाई 90 की स्पीड तक पहुंच जाएगी ना तब भी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात है। हालांकि भाई स्पीडोमीटर मतलब 110 तो जानी चाहिए, पर गाइस यहाँ पे जो अपनी बाइक है भाई इसकी टॉप स्पीड है 87 की, और मे बी अब थोड़े टाइम बाद मतलब इसकी सर्विस वगैरह होगी तो बढ़ जाएगी, मतलब टॉप जो स्पीड है वो 88 की रही है। एक बार दोबारा से टेस्ट करके देखते हैं कि जो इसकी टॉप स्पीड वो क्या रहती है। और बाकी भाई साहब डीली मारने का तो गाइस यहाँ पे अलग ही मज़ा आता है,
देखते हैं यार, हो सकता है इस बारी भाई ज़्यादा बढ़ जाए, पर मेरे को लग नहीं रहा है। आई थिंक से जो उसकी टॉप स्पीड वो 90 की रहने वाली है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि भाई 100 सीसी की बाइक है तो 100 सीसी की आती है ना आई थिंक से, हाँ तो 100 सीसी का इसका इंजन होता है। तो जी हाँ भाई, जो इसकी टॉप स्पीड है वो 87 की है, और मेरे को लग नहीं रहा है कि इससे ऊपर अब ज़्यादा बढ़ने वाली है, तो 88 हो गई है और अब आई थिंक से नहीं बढ़ेगी। और बाकी भाई भाई स्टंट वगैरह मारने के लिए तो बाइक ख़तरनाक है, क्योंकि काफ़ी हल्की बाइक है ना, तो उसको कंट्रोल करने में दिक्कत नहीं होती है। और बाकी भाई मेरे को पता नहीं कि उससे बीले मारते हो बड़ा मज़ा सा आ रहा है, आप लोग बताना कि आप लोगों को मतलब बीले मारते हो मज़ा आ रहा नहीं। भाई मेरे को सच्ची में बहुत ज़्यादा यहाँ पर मज़ा आ रहा है। अभी फटाफट से गाइस चलते हैं अपने ऑफ रोडिंग वाले लोकेशन पर, और देखते हैं जो अपनी बाइक है भाई यहाँ पर ऑफ रोडिंग में कैसा परफॉर्मेंस हमें दिखाने वाली है, तो लेट्स सी देखते हैं क्या होता है। तो ऑलरेडी गाइस यहाँ पे भाई साहब मैं फुल ऑन स्पीड में अपनी बाइक को भगाते भगाते आ चुका हूँ, मतलब जो अपनी ऑफ रोडिंग वाली लोकेशन पे। और आज हम भाई किसी माउंट चिलियाड पे नहीं जाने वाले, क्योंकि माउंट चिलियाड पे हम बहुत ज़्यादा ही जाते हैं। आज जा रहे हैं भाई एक नई लोकेशन पे, और फिलहाल तो जो अपनी ऑफ रोडिंग है उसको यहाँ पे करते हैं स्टार्ट, और देखते हैं कि जो अपनी बाइक है वो भाई साहब इस ऑफ रोडिंग में मतलब कैसा परफॉर्मेंस हमें दिखाती है। तो लेट्स सी देखते हैं गाइस क्या होता है। फिलहाल तो अभी तक तो अपनी बाइक काफ़ी आराम से मतलब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है इसके इंजन, मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि जो अपनी बाइक है भाई चढ़ नहीं पाएगी। बस उम्मीद है यार कि मतलब चढ़ जाए भाई। माउंट चिलियाड तो हालांकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचा है, पर अभी यहाँ पे देखते हैं कि अपनी जो बाइक है वो चल पाती है नहीं। उम्मीद मेरे को लग रही है भाई चढ़ जाएगी इतनी, मतलब अपनी स्प्लेंडर है भाई काफ़ी पावरफुल बाइक है यार। 100 सीसी के होने के बाद भी ना भाई ये पहाड़ों में काफ़ी आराम से चल जाती है। मैंने चलाई है, खुद में भी चलाई भाई, रियल लाइफ में चलाई है मैंने, मतलब चलती है, मतलब उतना ज़्यादा तो पिकअप से नहीं चलती, पर हाँ चलती काफ़ी अच्छी है। फिलहाल तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पीड डाउन हो गई है गाइस, और आप लोग देख सकते हो यार ये जो रास्ता है ना, ये रास्ता भाई बने ही बाइक के लिए, मतलब बाइक के लिए साइकिलिंग के लिए जो है पूरा ट्रैक बना हुआ है। और यहाँ पे साइड में फैंस वगैरह भी मतलब थोड़ी बहुत लगा रखी है सेफ्टी के लिए, हालाँकि इतनी कुछ ज़्यादा भी नहीं है भाई। बाइक से अगर कोई गिरेगा ना तो पक्का नीचे गिरने वाला है। और अभी तक तो जो अपनी बाइक है काफ़ी बढ़िया चल रही है। और हाँ आप लोग मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना कि ये वाली जो अपनी स्प्लेंडर है आप लोगों को यहाँ पे कैसे लगी, आप ही लोगों की भाई डिमांड थी तभी मैंने भाई जो बाइक है वो बाय की, वरना अदरवाइज मेरे उसको बाय करने का ऐसा कोई मन था नहीं। और हम जब मतलब मैं इंडियन बाइक वाली वीडियो कोई भी रैम वाली बनाता हूँ तो उसमें भी यार लोग बोलते हैं कि अनमोल भाई ये वाली बाइक को ऐड करो, तो इसी वजह से यार मैंने सोचा कि क्यों ना इसको बाय कर ही लिया जाए, मतलब आप लोग जब इतनी डिमांड कर ही रहे हो। तो फिलहाल तो गाइस जो अपनी बाइक है अभी भाई थोड़ा सा यहाँ पे पिकअप डाउन हो रहा है हल्का हल्का, मतलब जैसे जैसे इसकी चढ़ाई बढ़ती आ रही है ना वैसे वैसे वो पिकअप इसका थोड़ा थोड़ा यहाँ पे गिरता हुआ जा रहा है। और बाकी भाई हॉर्न वगैरह तो बढ़िया से काम कर रहा है अपनी बाइक का। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी बाइक है वो भैया अभी पूरा ऊपर तक तो चढ़ गई है, ठीक है, पर अब इसको नीचे भी उतारना पड़ेगा, और मतलब इतना भी जल्दी नीचे नहीं उतारना था यार, भाई क्या कर रहा है यार फ्रैंकलिन। हाँ तो इसको थोड़ा ऊपर चढ़ाते हैं, और जो अपनी बाइक है वो थोड़ा सा भाई ट्रैक के बाहर आ गई है, पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप लोगों ने अब इस चीज़ से आइडिया लगा लिया होगा कि जो अपनी बाइक है कितनी ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कितने आराम से मतलब भाई वो पहाड़ के नीचे उतर गई तो वहाँ पे चढ़ गई है। और अब इसको बारी है भाई यहाँ पे उतारने की। गाइस यहाँ पे जो अपनी बाइक है ना, मतलब इसको चढ़ाना इतना मुश्किल नहीं है, यहाँ से उतारना बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जब मैं इसको लेके जाऊँगा ना तब आप देखना भाई, मतलब एक तरफ खाई है, और थोड़ी सी भी अगर मतलब मैंने लापरवाही की ना भाई ड्राइविंग में तो भाई साहब अपने फ्रैंकली भाई मर सकता है यहाँ पे। बिकॉज भाई नीचे देखो यार कितनी गहरी खाई है, और कितनी पतले रास्ते से हम इसको लेके जा रहे हैं, तो इसीलिए मतलब ये वाला ट्रैक मैंने इस बार सिलेक्ट करा मतलब ऑफ रोडिंग के लिए। आप देख सकते हो यार यहाँ पे थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, अगर बाई चांस अगर अपनी बाइक अगर यहाँ पे फिसल गई ना तो भाई साहब अपने फ्रैंकली के भैया दांत वांत हड्डी वड्डी सब टूट जाएगी, और अपनी बाइक भी थोड़ी बहुत यहाँ पे डैमेज हो सकती है। फिलहाल तो मैं काफ़ी मतलब आराम से इसको लेके जाने वाला हूँ। और भाई साहब ये वाला टर्न देख रहे हो कितना ख़तरनाक है यार, अगर मैं यहाँ पे ब्रेक नहीं मारता ना पक्का नीचे जाने वाला था। और इधर तो अलग ही कुछ इतना खास नहीं, अब इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं बचा, हम ऑलमोस्ट मतलब इतना ऊँचाई पर नहीं रहे हैं, जो पहाड़ है हम उसको पूरा उतर चुके हैं यहाँ पर। और भाई ये वाइट वाला भाई शेर जा रहा है वो तो अच्छा है, मैं भाई साहब पैदल आया हूँ तो भाई पक्का है मेरे को खा जाता है यहाँ पर। और अभी हम बोल सकते हैं गाइस ऑलमोस्ट जो अपनी ऑफ रोडिंग है वो यहाँ पर ख़त्म ही होने वाली है, बस कुछ ही दूर बची है जो अपना ट्रैक है वो ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है। और यहाँ पे ओ भाई साहब थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी अभी अपनी बाइक। ओ भाई भाई ब्रेकिंग वगैरह इसकी ठीक है यार, मतलब डिस्क ब्रेक नहीं है, ड्रम ब्रेक इसमें आते हैं, पर हाँ ब्रेकिंग अभी ठीक है, मतलब ब्रेक इसके सही काम कर रहे हैं। हालांकि डिस्क ब्रेक में आती तो भाई अलग ही है, डिस्क ब्रेक में भाई वैसे भी आती नहीं है वाली बाइक। हाँ हालांकि लोग कस्टमाइजेशन मतलब खुद से करा लेते हैं,
पर भाई स्टॉक में मतलब ये ड्रंक ब्रेक के साथ ही आती है अपनी बाइक। और यहाँ पे देखो भाई ये लोग देख रहे हो भाई साइकिलिंग कर रहे हैं, मतलब ये वाला जो पूरा ट्रैक है ना ये इसी चीज़ के लिए यहाँ पे बना है, तो इसीलिए मैं अपनी बाइक को यहाँ पे लेके आया था, वरना अदरवाइज वरना माउंट चिलाट पे भी लेके जा सकते थे। तो गाइस यहाँ पे जो अपनी बाइक है मतलब इसने ऑफ रोडिंग काफ़ी बढ़िया कर दी और कोई दिक्कत भी नहीं दी, और ऐसा भी नहीं है कि अपनी जो बाइक है कहीं पर चढ़ने में इसने कहीं पर प्रॉब्लम करी हो, तो अपनी बाइक काफ़ी इजीली मतलब चढ़क भी गई है और काफ़ी आराम से भाई उतर भी चुकी है पूरा पहाड़, मतलब हम एक राउंड घूम के आ चुके हैं। और भाई साहब यहाँ पर रास्ता इतनी पतली है ना यार कि क्या ही बताओ, मतलब थोड़ी सी भी अगर स्पीड से अगर बाइक लेके जाओ और गलती से भी अगर ब्रेक नहीं लगे तो पक्का भाई नीचे जाने वाली है, पर इसकी ब्रेक काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। ओ ओ भाई भाई रुक जाओ भाई, और रे 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 रे। तो गाइस मैं इसी चीज़ की यहाँ पर बात कर रहा था, और भाई अपनी भाई साहब यहाँ पे यार फ्रैंकलिन के भाई अलग ही नशे है, और अपनी जो बाइक यार वो भी अंदर की तरफ गिर चुकी, तो उसको मेरे को बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ओके गाइस यहाँ पे बड़ी मुश्किल से यार मैंने बाइक को यहाँ से निकाल लिया है पानी में से, मतलब भाई पूरे भाई इसको खींचने में ना बाहर हालत ही टाइट हो गई थी फ्रैंकलिन की, जैसे तैसे करके यार इसको बाहर निकाल लिया है मैंने, ठीक है। और बाकी तो आप लोगों ने देख लिया भाई जो अपनी स्प्लेंडर है उसका परफॉर्मेंस कैसा है, इसकी टॉप स्पीड कैसी है, और ऑफ रोडिंग में भाई इन्हें कैसा परफॉर्म करा था। और बाकी आप लोग एक बार लास्ट बार भाई इसका मतलब लास्ट बार तो नहीं मतलब एक बार इसका लुक देख लो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना कि ये वाली जो बाइक आप लोगों को कैसी लगी। तो बस गाइस आज की वीडियो अभी यहीं पे एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को ज़रूर से अच्छी लगी होगी। गाइस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो ऐसी बढ़िया बढ़िया वीडियो देखने के लिए। तो गाइस मैं मिलता हूं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।